स्टार्ट करेंगे पीपल अराउंड मी। निकालो 28 पेज नंबर निकालो, 28 पेज नंबर अराउंड अस, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी जॉब करते हैं, कैसा बिजनेस करते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ओके यहाँ से पढ़ाएंगे। आप देखो अच्छे से सब लोग ध्यान देंगे, योर पेरेंट्स डू वर्क टू अर्न मनी, अपने माता पिता पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, अपने पापा जी की शॉप होती है तो वो सब लोग किन के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कोई किसी के पापा डॉक्टर होते हैं, किसी के पापा वकील होते हैं, कोई बिजनेसमैन बनते हैं, कोई अकाउंट का काम करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं ना, तो ये सारे अर्न मनी यानी अपने पैसों के लिए काम करते हैं। मनी इज नीडेड टू मेकिंग अ लिविंग, मनी अपने लिए बहुत जरूरी है, पैसों के बिना कोई भी चीज मिलती है बाजार में? अपन मार्केट में जाएंगे तो बिना पैसों के कुछ भी लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते? अपन को टॉफी खानी है तो अपने पास रुपीज होंगे तभी अपन मार्केट में जाके जाके टॉफी ला सकते हैं। अपन को ऐसे ही फ्री में कोई दे सकता है टॉफी? नो मैम। नो, तो सब लोग किसके लिए कमाते हैं? अर्न करने के लिए, काम करके पैसे को कमाया जाता है, ठीक है? देर आर मैनी पीपल अराउंड अस हु अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट जॉब्स। अब जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं और अलग अलग काम करते हैं, कोई डॉक्टर बन के काम करता है, किसी के कपड़े की दुकान होती है, किसी के किराने की दुकान होती है, किसी के बर्तन की दुकान होती है, कोई जूते ठीक करता है, कोई पोस्टमैन होता है, कोई ग्रोसर होता है जो किराने का सामान बेचता है, कोई गार्डनर होता है, माली। ये सब आपको इसी तरह के दे रखे हैं कि किस किस तरह की जॉब्स होती है जो लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, अपन ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था स्वीपर। स्वीपर किसे बोलते हैं? तो साफ सफाई काम का काम करता है, घर पे भी करता है जो बाहर करता है वो होते हैं स्वीपर, जो बाहर झाड़ू वगैरह निकालते हैं। अपने स्कूल में अपन स्वीपर रखते हैं जो रूम्स को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उन्हें स्वीपर बोला जाता है। ही क्लीन्स द एरिया अराउंड अस, वो अपने एरिया को क्लीन करते हैं, एंड आल्सो कलेक्ट्स गार्बेज फ्रॉम आवर होम एवरी डे, और अपने घर में जो भी कचरे का ढेर होता है उन सारे कचरों को लेके कलेक्ट करता है और अपने घर से लेके जाता है, वो स्वीपर ही तो होते हैं। अपने गली में आपने देखा होगा जो कचरा निकालते हैं, अपने गली को साफ सुथरा बनाते हैं, जो भी कचरा होता है उसको इकट्ठा करके बाहर डालते हैं, तो ये सारे काम कौन करता है? स्वीपर होता है जो ये सारे काम करता है, साफ सफाई का काम करता है, झाड़ू पोछे करना, कचरे को साफ करना, ये सब। अब देखो सेकेंड नंबर में आपको दे रखा है मिल्कमैन। सभी के घर में दूध देने के लिए मिल्कमैन आता है जो दूध बेचता है, अपने सबके घरों में सुबह सुबह अपनी मम्मा लेती है दूध, सबको पता होगा। तो मिल्कमैन होता है वो अपने को दूध देता है, और मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू आवर होम एवरी डे। सभी घरों में मिल्कमैन आता है ना दूध बेचने के लिए, वो मिल्कमैन का काम होता है दूध बेचना, वो प्रत्येक घर में जाके दूध की डिलीवरी करता है, उनको पहुंचाता है। ओके, उसे बोला जाएगा मिल्कमैन जो दूध बेचता है। अब है देखो थर्ड नंबर में गार्डनर। गार्डनर कौन होता है? आपको जैसे पिक्चर्स दे रखी है ना उसी के हिसाब से इनके काम भी है, आप पिक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। थर्ड नंबर पिक्चर्स में आपको दे रखा है एक माली है जिसे अपन गार्डनर बोलते हैं इंग्लिश में। माली का क्या काम होता है? पेड़ पौधों को पानी पिलाना, उनकी देखभाल करना। जब पेड़ पौधों को पानी नहीं पिलाएंगे तो पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे ना, उनकी जो लीव्स जो पत्तियां होती है वो काली पड़ जाएगी, मुरझा जाएगी, और पेड़ ही जल्दी से खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए जैसे अपन को पानी की नीड होती है, अपन पानी के बिना रह सकते हैं?
नो मैम, उनको बोला जाए आज पूरे दिन में पानी ही नहीं पीना है तो अपन नहीं दे पाएंगे। उसी तरह ये जो पेड़ पौधे भी होते हैं उनको भी अपने के जैसे पानी चाहिए होता है, तो जो माली होता है वो पानी डालने का काम करता है, पेड़ पौधों को स्वस्थ रखता है, उनको समय समय पर पानी पिलाता है जिससे पेड़ पौधे सूखे नहीं, उसको पानी मिलता रहे। तो ये गार्डनर होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है गार्डनर। अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स इन द गार्डन, वो अपने पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उनको पानी पहुंचाता है। अब है देखो ये क्या काम कर रहा है, पिक्चर्स में आपको बताया गया है। देखो वॉशरमैन कौन होता है, जो कपड़े धोता है, धोबी जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है वॉशरमैन। अब वॉशरमैन क्लीन्स एंड ड्राइज आवर क्लोथ्स, क्या काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, धोबी कपड़े धोते हैं और कपड़ों को धोने के बाद उनपे प्रेस की जाती है, तो प्रेस करते हैं कपड़े को धोने के बाद। तो ये काम किसका होता है, वॉशरमैन का। वॉशरमैन ही होते हैं जो कपड़े को धोते हैं, क्लीन करते हैं उसको, फिर उसमें प्रेस की जाती है। अब देखो सिक्स नंबर पिक्चर्स में क्या दे रखा है, ये क्या काम कर रहे हैं, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ये ना बताना, ये दुकान चलाते हैं। हाँ, ये है ग्रोसर, जो किराने का सामान रखता है ना, अपन जहाँ से टॉफी बिस्किट्स लाते हैं, घर के सामान लाते हैं, अपने पापा मम्मी जो भी सामान लाते हैं ना, घर के खाने पीने के जो भी सामान होते हैं वो सब ग्रोसरी में मिलते हैं, इसको ग्रोसर बोला जाता है, जहाँ पे किराने का सामान मिलता है। जो भी किचन में खाना बनाया जाता है उस खाने को कहाँ पे मिलते हैं ये सब खाने की चीजें, ग्रोसरी के पास, किराने की दुकान जिसे बोला जाता है, ठीक है। और ग्रोसर सेल शुगर ग्रेन्स एंड वेरियस फूड आइटम्स, ठीक है। शुगर जो दाल चीनी ये सब बेचते हैं ना, वो कौन होता है, ग्रोसरी। ग्रोसरी का काम होता है जो किराने का सामान बेचता है, खाने पीने के जो भी सामान होते हैं उनको सेल करता है, उसे बोला जाता है ग्रोसर, ओके। अब है देखो पोस्टमैन। पोस्टमैन आपने कभी देखा होगा, आपके घर पे पोस्टमैन आता है, डाक आता है, जो चिट्ठी लेके आता है, एक पेपर में ऐसी चिट्ठी डाली भी होती है, वो अपने घर घर डिलीवरी करता है, लेटर्स होते हैं जिसे लेटर्स बोला जाता है, चिट्ठी को, उस चिट्ठी को अपने घर पहुंचाता है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल टू अस, पोस्टमैन होता है जो भी लेटर होता है एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाना, तो ये पोस्टमैन का काम होता है, डाकिया का, जो चिट्ठी को अपने घर पे पहुंचाता है। देखा है किसी ने पोस्टमैन को, उनकी यूनिफॉर्म कैसे होती है, तो आप कभी देखना पोस्ट ऑफिस में ऐसे पोस्टमैन होते हैं जो घर घर जाके ऐसे लेटर्स चिट्ठी बना के देते हैं, जिनके नाम की चिट्ठी होती है उनके घर पे जाके उनको डिलीवर करते हैं, ओके। यस, अगला क्या है, कॉबलर। कॉबलर कौन होता है, जो जूतों को ठीक करता है, अपने घर के आसपास कभी आपने देखा होगा ये जूते घूमने वाले होते हैं जो ठीक करने के लिए आते हैं, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं मोची और इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर, जो जूतों को ठीक करता है। अपने कभी जूते टूट जाते हैं तो अपनी मम्मा ने देखा होगा कभी, वो जूते ठीक करवाती है, अपने घर के पास बाहर आते हैं ऐसे, तो वो होते हैं कॉबलर जो जूतों को ठीक करते हैं। यस, कौन बोल रहा है, किंजल अपना कैमरा ऑन रखो। मैं बोल रहा हूँ। मैं मेरे मतलब ये कॉल क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मेरे को अच्छे से। चलिए अपन अगला देखते हैं, कारपेंटर। कारपेंटर होता है सुथार, जब अपने घर न्यू घर बनता है तब अपने जो खिड़की दरवाजे ये सब कौन लगाता है, कारपेंटर, जो दरवाजे बनाता है, खिड़की बनाता है, स्टूल टेबल कुर्सी ये सब बनाता है ना लकड़ी,
ये सब काम करता है जो लकड़ी का काम करते हैं ना उसे कारपेंटर बोला जाता है। जो लकड़ी से दरवाजे बनाता है, लकड़ी का स्टूल बनाता है, लकड़ी की टेबल बनाता है, लकड़ी से खिड़कियों को बनाया जाता है, ये सब काम कारपेंटर करते हैं। आपने देखा होगा कभी अपने घर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने पापा जी इन कारपेंटर को बुलाते हैं, वो सब ये सही करते हैं, है ना। वो कारपेंटर होता है वो फर्नीचर जो अपने घर पे फर्नीचर बनाते हैं वो किससे बनते हैं, लकड़ियों से ही तो बनते हैं, जो सनमाइक होती है जिसके ऊपर लगाया जाता है, बेड होते हैं बेड की भी लकड़ी लगती है, बेड एटसेट्रा फ्रॉम वुड, यानी लकड़ी से ये सब चीजें बनाई जाती है जो कारपेंटर बनाता है, इसे बोला जाएगा कारपेंटर। ओके, टेबल बेड वुड मतलब अब ये देखो ये कौन है, ये तो सबको पता होगा, पिक्चर्स देखते ही पता चल गया होगा। ये नहीं सिलाई मैन है, सिलाई मैन ये तो पूरा सिलता है, सिलाई मैन है या टेलर है। चलो कुछ नहीं, आपने जो भी बताया अच्छा है, सिलाई मैन इसको बोला जाएगा टेलर, इसको सिलाई मैन नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टेलर, दर्जी जिसे बोलते हैं हिंदी में। वो क्या काम करता है, स्टिच ओवर क्लोथ, अपने कपड़े सिलते हैं, स्टिच का मतलब होता है सिलना, जब अपन को कपड़े की जरूरत होती है तब अपन जो कपड़ा है वो दर्जी को इस टेलर को दे के आते हैं, वो अपने इस कपड़े से स्टिच करते हैं। और ऐसे जैसे ये देखो यहाँ बने हुए शर्ट, किसी को कुछ बनाना होता है, जिस तरीके से जिसको ड्रेस बनानी होती है वो इन दर्जी को देते हैं, ये टेलर होता है, ये टेलर उस तरह की ड्रेस बना देते हैं। ओके, अब देखो ये कौन है, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है, लाइट खराब हो जाती है, पंखा खराब हो जाता है, तब अपन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। लाइटिंग वगैरह होती है, फैन वगैरह वो सब सही करता है, उसे इलेक्ट्रिशियन बोला जाता है। एंड इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विच, जो भी वायर्स है जो भी स्विच है जो खराब हो गए हैं उनको सही करता है, उनको वापस लगाता है और वापस अपने को लाइट देता है। अगर एक भी वायर खराब हो गया तो लाइट चली जाती है अपनी, खराब हो जाती है, फैन चलना बंद हो जाता है या लाइट चलनी बंद हो जाती है, तो अपन इस इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन, बिजली घर वाले जो भी लाइट सही करते हैं, फैन सही करते हैं, लाइटिंग का काम होता है, वायर्स लगाते हैं और उनको सही बनाते हैं। ये कौन सी हैबिट है आपकी भव्या, इरेजर को खा रहे हो आप, इट्स नॉट अ गुड मैनर। इरेजर खाने के लिए होता है या इरेज करने के लिए होता है बताओ, इरेज करने के लिए होता है। और भी आप तो खाना बना रहे हो, इसको खाना बना के खा रहे हो, नहीं है ये गंदी बात है, ऐसे नहीं करना है आपको, ये मैनर्स नहीं है, गुड अच्छे मैनर्स रखो, इरेजर को कभी भी मुंह में नहीं डालना है। ओके, यस मैम, ध्यान रखोगी। अब देखो अगला ये क्या कर रहे हैं, मैं ये टूंटी सही कर रहा है, टूंटी जो पाइप लीक हो जाता है जब अपने पानी नहीं आता है या पाइप कहीं पे लीक हो जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है, तब अपन इस प्लम्बर को बुलाते हैं, इसे बोला जाता है प्लम्बर, जो पाइप फिटिंग करते हैं, लीक होता है ना जो पाइप उसे टैप करते हैं, लीक करते हैं, लीक हुए हुए होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, सॉरी प्लम्बर का मतलब होता है अ प्लम्बर रिपेयर्स ओवर लीकिंग टैप, जो भी यहाँ पे जैसे लीक हो जाता है जब पाइप टूट जाता है तो अपने जो नल में से पानी आएगा क्या, अगर जब पीछे से पाइप लीक होगा, लीक का मतलब है वो टूट जाता है कहीं से तो पानी नीचे गिरने लगता है जिससे अपने नल में पानी ही नहीं आता है, तब अपन सोचते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है, तब अपन किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, अपने पापा जी प्लम्बर को बुलाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए, तो वो जो पाइप होते हैं जो लीक होता है उनको वापस से जोड़ता है, उनको सही बनाता है, वापस पाइप को जोड़ के जो लीक वाला सिस्टम है वो उसे बंद कर देता है जिससे पाइप लीक नहीं होता है और अपने नल में से वापस से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्लम्बर का काम होता है जो पाइप को रिपेयर करता है,
जहां से भी लीक हो रहा है, जहां से भी टूट गया है, इसको वापस जोड़ता है, रिपेयर करता है, उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, अब देखो आपको ये सब बता गया है, ये अलग अलग जॉब्स होती है। अब देखो इनमें से सब लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई दूध बेचता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, कोई माली होता है जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, कोई वॉशरमैन होता है धोबी, ये सब अपने पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पैसे लेते हैं ना बदले में, या फ्री में करते हैं सब काम। आपने देखा होगा अपने घर पे भी जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिसिटी सही करते हैं, या प्लम्बर है, कॉबलर है, कोई भी हो, अपन वॉशरमैन को जब कपड़े देते तो वो बदले में क्या लेते हैं, सब लोग पैसे लेते हैं। अपन जब टेलर के पास सिलाई करने के लिए कपड़े देते हैं तो वो अपने से पैसे लेते हैं। तो सभी क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए ये सब अलग अलग काम करते हैं, और ये सारे काम है डिफरेंट जॉब्स फॉर अर्न मनी, अलग अलग पैसे कमाने के लिए काम होते हैं। अब देखो इसमें आपको बताया गया है, अगले पेपर पे देखो, पिक्चर्स ऑफ सम मोर पीपल हु हेल्प्स अस आर गिवन हियर, मैच द पिक्चर विद देयर वर्क इन नेक्स्ट कॉलम, राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द मिडिल कॉलम। अब इसमें आपको दे रखा है कि टेक केयर ऑफ अ पेशेंट, जो नर्स होती है वो अपना ध्यान रखती है, जब अपन बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तब अपनी नर्स देखभाल करती होगी, आपने देखा होगा, अपने जब अपन को अपनी चलने की हालत नहीं होती है, अपन को चक्कर जैसे आ रहा होता है तो अपन को नर्स संभालती है, हाथ पकड़ के लेके जाती है, आराम से बैठाती है, तो ये सब काम नर्स करती है। यहाँ पे नर्स कहाँ है आपको पता है, कौन सी पिक्चर्स में नर्स है बताओ, एक फिल्म है, वन टू थ्री एंड फोर्थ, फोर्थ नंबर में देखो ये नर्स है ना नर्स, ये नर्स है कि नहीं है बताओ, ये देखो इनके साथ टैबलेट्स ले रखी है, ये जो प्लस का साइन होता है ये हमेशा हॉस्पिटल का साइन होता है, तो ये देखो नर्स के हाथ में इतनी सारी टैबलेट्स ले रखी है, तो वो क्या काम करती है, हॉस्पिटल में काम करती है, जो भी पेशेंट होता है जिनकी केयर करती है। तो आपको पिक्चर से मैच करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर में क्या है, ट्रीट्स द पेशेंट, डॉक्टर को कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर, ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर अपना, अपने को बुखार आया है, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हुआ है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं बताने के लिए, टैबलेट्स लेने के लिए, तो वो काम डॉक्टर का होता है, तो इस वजह से डॉक्टर कौन है, डॉक्टर, इसमें भी प्लस का साइन आपको बता रखा है, और ये जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, सारे पेशेंट की देखभाल करते हैं, उन्हें उन पता लगाते हैं कि इनको क्या हुआ है, और उसी के हिसाब से टैबलेट्स दे देते हैं अपन को ठीक करने के लिए, ताकि अपन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब देखो नेक्स्ट है रिपेयर ओवर व्हीकल, इसमें ये रखा है अपने व्हीकल्स को रिपेयर कौन करता है, मैकेनिक करता है, जो अपने गाड़ी को, जब अपनी गाड़ी खराब हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है, तब अपन मैकेनिक के पास जाते हैं, वो अपनी गाड़ी को ठीक करता है, यस कौन होता है, मैं बोल रही हूँ किंजल, यस बोलो मैम, जब है ना मेरे दादू से है ना बताओ डॉक्टर है, वो सबको ठीक कर देते हैं, वेरी गुड, वो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, है ना, इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप की जॉब्स होती है। इसमें देखो आपके लिखा हुआ है रिपेयर्स ओवर व्हीकल्स, जब भी अपनी गाड़ी खराब हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, कार खराब हो जाती है, तब अपन मैकेनिक के पास जाते हैं सही करवाने के लिए। सबसे लास्ट नंबर पे दे रखा है पिक्चर्स में, ये होता है मैकेनिक, जो अपने गाड़ियों को ठीक करता है, उनके पंचर निकालता है, टायर्स न्यू लगाता है, उनको न्यू बना देता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देता है। अब है देखो कैचेस न्यूज
एंड कीप्स अस सेफ. थीम्स का मतलब होता है चोर. पुलिस का क्या काम होता है? चोर को पकड़ना. पुलिस का क्या काम होता है? चोर को पकड़ना. यस बोलिए. क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है लक्षिता. ये क्या मैच करना है? हाँ ये मैच करना है. मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगी तब आप कर लेना. अभी मैं आपको बस समझा रही हूँ. ओके अब चोर पुलिस होती है जो चोर को पकड़ती है. जब चोर गलत काम करता है तब वो भाग जाता है. तब पुलिस उनकी इंक्वायरी करती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है, तब वो पकड़े जाते हैं. तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में आपको पिक्चर्स दे रखी है. ये चोर है और ये पुलिस है. तो इनको देखो हथकड़ियां बांध रखी है इनके. तो पुलिस इनको पकड़ने के लिए गया, ये चोर पकड़ा गया. देखो तो इस पिक्चर्स में दे रखा है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया. जो होता है पुलिस में, जो पुलिस का काम करता है चोर को पकड़ता है. अब ये अपना माइक म्यूट रखो सब. किसी के माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए. सब म्यूट करो. यस अब देखो क्या दे रखा है आपको फिफ्थ नंबर में. ग्रोस फूड क्रॉप्स फॉर अस. जो फार्मर होता है वो क्या करता है? फसलें उगाता है. फसलें उगाता है ना, खेत में ध्यान रखता है, फसलों को बीज बोता है. अलग अलग जो भी सब्जियां लगानी है, फल लगाने हैं, उसके बीज बोता है किसान में और वो और पानी पिलाता है उनको, उनकी देखभाल करता है. जो फार्मर होता है जिसे किसान बोला जाता है, जो खेत में फसलों की रक्षा करता है. तो इस पिक्चर्स में आपको कहाँ पे दे रखा है किसान? फार्मर जिसे बोला जाता है. ये देखो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है आपको. फार्मर है ना ये. किसान है जो खेत में ऐसे फसलों को बोता है, फूड ग्रोव्स यानी फसलों को उगाता है. तो इस पिक्चर्स में आपको दे रखा है. देखो ये किसान है जो बैल को ढो रहा है, इसे लेके जा रहा है आगे की तरह. वो पीछे से वो क्या कर रहा है? हल जोत रहा है. ठीक है, इस बैल के माध्यम से जब वो जैसे जैसे बैल चलता जाता है, पीछे से वो हल वो एक ऐसे लगा हुआ होता है लोहे का, जिससे उस मिट्टी में वो चलता रहता है कंटिन्यू, जिससे क्या होती है? फसलों की बुवाई की जाती है. ओके आप कभी जो खेत में जाओ ना, तब आप देखना किसान कैसे काम करता है. आपको पता लग जाएगा कि कैसे फसल को बोई जाती है, कैसे किसान उनकी रक्षा करता है. ये सब आपको पता लग जाएगा जब आप खेत में जाओगे. किसी ट्यूबवेल आप बोलते हो जिसे, उसमें जाओगे तब आपको पता लग जाएगा. अब देखो नेक्स्ट, सेल्फ मेडिसिन. आपको दवाई कौन देता है? जो दवाई केमिस्ट शॉप होता है, जिसे अपन बोलते हैं मेडिकल स्टोर. मेडिकल स्टोर में क्या मिलती है? दवाई मिलती है जो कि अपन डॉक्टर लिखते हैं अपने लिए कि आपको ये टेबलेट्स लेनी है. तब आप किनके पास जाते हो? मेडिकल स्टोर जाते हो. केमिस्ट शॉप बोलते हैं इसको इंग्लिश में. ओके आप ऐसे अंडरलाइन कर लेना इनको. केमिस्ट शॉप जिस पर जिसमें क्या मिलती है? टेबलेट्स मिलती है. थर्ड नंबर में आपको दे रखा है मेडिकल स्टोर. मेडिकल है वो अपने को दवाई देता है. जिस तरह की अपने को डॉक्टर दवाई लिखते हैं उस तरह की दवाई अपने को देता है, उसे मेडिकल बोला जाता है. अब देखो नेक्स्ट है हेल्प टू पुट ऑफ फायर. फायरमैन क्या होता है? जब अपने किसी आसपास गोदाम में, घर में या दुकान में कहीं पे भी आग लग जाती है ना, तो अपन किसको बुलाते हैं? फायरमैन को. फायरमैन के जो नंबर होते हैं हेल्पलाइन नंबर, अपन उस पे कॉल करके इस फायरमैन को बुलाते हैं. ये फायरमैन जल्दी से अपनी जहाँ पे भी अपन बुलाते हैं वहां पे ही आ जाता है और आग जल्दी से बुझाता है. नहीं तो आग को कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है, तब अपन फायरमैन को बुलाते हैं. वो जल्दी से आग को बुझा देता है जिससे अपना नुकसान कम होता है. तो ये आपको लास्ट सेकंड पिक्चर्स में दे रखा है. फायरमैन जो अपनी गाड़ी लेके आता है और इसके हाथ में ये इस तरह का ये पाइप होता है जिससे आगे की तरफ से आग पानी निकलता है, जहां से ये फटाफट से पानी बुझा देता है. आग होती है ना, पानी के माध्यम से आग को बुझा देता है जिससे अपना नुकसान होने से बच जाता है. ठीक है, ये आपको अलग अलग जॉब के जो भी काम होते हैं वो सब आपको यहाँ पे बताए गए हैं.
आप इनका अच्छे से वापस रिवीजन करोगे होमवर्क में उर्दू की फिफ्थ नंबर चैप्टर का ओके मैम यस आपको पता आपको मैम क्या बताऊं क्या ज्योति मैम हूँ वर्षा मैम नहीं वर्षा मैम ये ज्योति मैम हाँ मैम ज्योति मैम यो हाँ आप कब मिले ज्योति मैम जी नहीं आई वो स्कूल में तब आए थे तब आप मिले वो प्रेरणा मैम प्रेरणा मैम जी ठीक है अच्छा चलो सब वापस रिवीजन करेंगे ओके अपना हो चुका है